नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं भाई कन्हैया के बारे में। सेवा करते समय यह नहीं देखना चाहिए कि वह किस जाति का है, बड़ा है, छोटा है, दुश्मन है, अपना है, पराया है। सभी को एक समान ही मानना चाहिए। गुरुओं ने हमेशा इसी तरह के शब्दों का उल्लेख किया है। सच्ची श्रद्धा से की हुई सेवा सदा सर्वोपरि होती है। आज हम आपको भाई कन्हैया के बारे में बताने जा रहे हैं। जब मुगल सेना ने आमने सामने होकर के कई दिनों तक युद्ध लड़ा था, तब दोनों पक्षों के सैनिक बुरी तरह से घायल होकर रण क्षेत्र में गिरे पड़े थे। ऐसे में एक सिख उन घायलों को पानी पिलाकर फिर से सुरजतर कर रहा था। तब उनको कुछ सिखों ने पकड़ लिया और बांध कर श्री गुरु गोविंद सिंह जी के समक्ष पेश किया और बताया कि आज हमने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा है जो शत्रुओं को पानी पिला रहा है। जिस पर गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि उसे हमारे सामने लाया जाए। उसने गुरु के समक्ष जाते ही कहा, गुरुदेव, मेरा कार्य तो जल पिलाना है। हाँ, मैं केवल पीड़ितों को जल पिलाता हूँ। मुझे तो शत्रु या मित्र की पहचान नहीं है, क्योंकि मुझे सर्वत्र प्रभु ही दृष्टिगोचर होता है। हर जगह मुझे ईश्वर की ही छवि नजर आती है। यह सुनते ही गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको गले से लगा लिया और कहा, वास्तव में आपने ही यह अमूल्य दृष्टि पाई है जो बड़े बड़े जपी तपस्वियों को प्राप्त नहीं होती। आप अद्वैत में पहुंच गए हैं, यही ब्रह्म ज्ञान है। और तुरंत बंधन खोलकर उनको मुक्त करते हुए कहा, आप यह सेवा निरंतर जारी रखें और यह लीजिए मरहम पट्टी, आप घायलों की प्राथमिक चिकित्सा का भी प्रबंध कीजिए। यह थे भाई कन्हैया जी। इसी कड़ी में आपको बता दें कि जिला यमुनानगर से आरंभ होकर के प्रदेश के विभिन्न जिलों से होते हुए 300 साला भाई कन्हैया ज्योति ज्योत संदेश यात्रा रविवार को शाम को सिरसा पहुंची। सिरसा के महाराणा प्रताप चौक में आम जनमानस ने भव्य स्वागत किया। वहीं विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं ने भी यात्रा का आभार जताया और अन्य नेताओं ने के साथ इस संदेश यात्रा के माध्यम से भाई कन्हैया जैसी मानवतावादी शख्सियत को नमन भी किया। वहीं यात्रा को स्वागत करने के लिए भारी जन समूह एकत्र हुआ। यात्रा का स्वागत करने के लिए भाजपा की ओर से हरियाणा पर्यटन विभाग के चेयरमैन जगदीश चोपड़ा, इनेलो के जिला अध्यक्ष पदम जैन, सिरसा सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी, वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से नगर परिषद के कार्यकारी प्रधान रणधीर सिंह व अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट।